बिहार विधानसभा चुनाव में तो अभी वक्त है, लेकिन इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और इस बार जेडीयू और आरजेडी के बीच सीधी लड़ाई अभी से दिखने लगी है। जेडीयू ने चुनावी तैयारी करते हुए अपना पहला पोस्टर जारी किया था, जिसमें आगामी चुनाव के लिए क्यों करें विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार का स्लोगन जारी किया गया था। जेडीयू के इस नारे के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ऐसे में किसी दूसरे के लिए क्यों विचार किया जाए। जेडीयू के पोस्टर के जवाब में आरजेडी ने भी अपना पोस्टर जारी किया है, जिसका स्लोगन मौजूदा सरकार और सीएम नीतीश कुमार पर सीधा हमला कर रहा है। स्लोगन है, क्यों ना करे विचार, बिहार है बीमार। बिहार में चल रहा है पोस्टर वार। एक तरफ जेडीयू ने अपना नया स्लोगन दिया है कि क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। उसके जवाब में आरजेडी का ये पोस्टर आप देख सकते हैं कि क्यों ना करे विचार, बिहार जो है बीमार। तो ये पोस्टर वार है। दो जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं हमारे साथ, राजनीति प्रसाद हैं जो कि आरजेडी के नेता हैं। कैसी राजनीति हो रही है राजनीति? देखिए पोस्टर हम लोगों ने नहीं लगाया, हमने लगाया युवा राजद। अरे भैया हम लोगों ने जवाब दिया है, पोस्टर तो उन लोगों ने लगाया, उसका जवाब हमने उन लोगों ने दिया। वो लोग तो अपना नारा लगाया अपने पार्टी का। नहीं नहीं नारा नहीं लगाया, पोस्टर लगाया। पोस्टर भी वहाँ चमकीला चमकीला पोस्टर है, उसका जवाब दे दिया हमने कि अगर हत्या लूट अपहरण बाढ़ सुखाड़ चमकी बुखार ये सब ठीक है तो नीतीश कुमार ठीक है। ये जनता को बताना चाह रहे हैं, जनता को बताना चाह रहे हैं, अगर ये सब कुछ ठीक है तब हम समझते हैं कि ठीक है। बीमारी चल रहा है, डॉक्टर ही ठीक से नहीं हो रहा है। बीमारी ही बीमारी है, दूसरा कुछ नहीं है। बीमारी गलत लिखा हुआ है। हाँ वो बीमारी है, वो होता है, मिस्टेक हो जाता है कोई खास। तो ये कहाँ जाके रुकेगा, आपको क्या लगता है कि पोस्टर वार से बिहार का? 2020 में जवाब देंगे हम लोग उसका, 2020 में जवाब। क्या नहीं लगता है कि नीतीश कुमार का जो पोस्टर लगा कि ठीके तो है, मतलब ठीके तो है, वो ठीके तो है तो उसका जवाब दे दिया कि बीमार है, बीमार है, ठीक नहीं है, बीमार है। हाँ बीमार है। तो जवाब है आरजेडी की तरफ से कि नीतीश कुमार जो कि बताया जा रहा है कि ठीके है नीतीश कुमार, तो बिहार बीमार है, उसके जवाब में आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है। वहीं जेडीयू नेता संजय सिंह ने क्या कहा है ये भी जरा सुन लीजिए। क्यों करे विचार, ठीक है नीतीश कुमार, ये हमारा नारा नहीं है, बिहार के 12 करोड़ जनता की आवाज़ है। आप गांव में चले जाइए, चौपाल जहां लगता है वहां चले जाइए, शहर में चले जाइए, तो लोग कहते हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार की जनता 12 करोड़ जनता विकास का स्वाद चख चुका है, विनाश की ओर नहीं जाना चाहता है। लगातार अनवरत बिहार की जनता को अगर भरोसा नीतीश कुमार पर नहीं रहता तो लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनने का ना काम नहीं करता। लोकतंत्र में वोट का महत्व होता है, एक वोट से सरकार जाती है नहीं तो सरकार बनती है। आरजेडी का तो सीधा आरोप है कि घबराए हुए हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए ऐसा कर रहे हैं। अरे राष्ट्रीय यहाँ विपक्ष कोई है क्या? लोकसभा चुनाव में उनको परिणाम मालूम हो गया, प्रतिपक्ष के नेता बोले थे कि नीतीश कुमार जी चेहरा छिपाए भागेंगे, लेकिन वो अपना चेहरा छिपाने के लिए दिल्ली चले गए, 0 पर आउट हो गए। उनका सिद्ध है क्या बिहार में? आने वाला जो 2020 का जो विधानसभा चुनाव है उनके हैसियत का पता चल जाएगा। सब ठीक है, हम लोग जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी का जो गठबंधन है अटूट है। अब ये सियासी लड़ाई कहाँ तक जाएगी ये देखना होगा। फिलहाल ये पोस्टर वार दिलचस्प होता चला जा रहा है। पटना से सुजीत झा, बिहार तक।